हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हमेशा की तरह ही मैंने लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे लंचा को पनिशमेंट लेते हुए देख विंग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ विंग आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और खिड़की से आती रोशनी में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसके सेंसेस अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे और वो कमज़ोर फील कर रहा था। विंग इसी हालत में अपने चारों ओर देखने की कोशिश करता है और तीन जानी पहचानी चेहरों पर उसकी नज़रें रुक जाती है। शिजे, अंकल जियान और जो आखिरी चेहरा उसे दिख रहा था वो लंजा का था। यहाँ लंजा एक धीमी आवाज में अपना सिर झुकाए अंकल जियांग से कहता है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ विंग खुद को संभालते हुए उन तीनों को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस तरफ अंकल जियांग वांग जी से कहते हैं, शुक्रिया वांग जी, तुम्हारे पेरेंट्स आज तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होंगे। हम सब बड़े तुम दोनों को एक करने के बारे में पहले से ही सोच रहे थे, लेकिन तुम दोनों के सही एज तक आने का इंतजार कर रहे थे, पर यह सब होना शायद पहले से ही तय था। अंकल जियांग की बात सुनकर लंजा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बहुत सॉफ्टली कहता है, मुझे समझने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं उसे कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अब सब कुछ उसकी मर्जी से ही हम दोनों के लिए तय होगा और जो भी उसका फैसला होगा वो मैं पूरे दिल से अपनाऊंगा। ये कहते हुए एक दर्द लंजा के चेहरे पर दिखने लगता है जो उसकी मुस्कुराहट को फीका कर देता है। मास्टर वांग जी, तुम प्लीज उस पर भरोसा रखो, एक मुस्कुराहट के साथ यानी लंजा से कहती है। तो अब हमारे आशियन का अच्छे से ख्याल रखना, हम उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ कर जा रहे हैं, अंकल जियांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस पर लंजा हाँ में सिर हिलाते हुए सिर्फ हम में जवाब देता है। इन सब के बीच विंग दूर से ही उनकी बातचीत देखकर पूरे मजे ले रहा था, लेकिन ना ही वो कुछ सुन पा रहा था और ना ही अंदाजा लगा पा रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो उनके बीच की बात सुनने की क्यूरियोसिटी में वो लड़खड़ाते हुए जैसे ही उठकर आगे बढ़ता है वहीं गिर जाता है। विंग के गिरने की आवाज सबका ध्यान उसकी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से विंग पैनिक हो जाता है और क्यूट क्यूट फेसेस बनाने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र लंजा से मिलती है वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे एक तेज करंट सा अपनी पूरी बॉडी में फील होने लगती है। वो चुप था, लेकिन उसका दिमाग कहता है, लंजा। उसको ये एहसास भी नहीं हुआ कि लंजा को देखते ही एक क्यूट सी स्माइल उसके होठों पर आ गई थी। वो लंजा को वहाँ देखकर बहुत खुश था। विंग का मन इस पल भागकर लंजा को गले लगाना चाहता था, उसकी बाहों में खो जाना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि वो लंजा के लिए क्या फील करता है। लेकिन विंग को ऐसा लगा मानो लंजा को उसे वहाँ देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब लंजा यानली और अंकल जियान को बो करके कमरे से जाने लगता है विंग को वहाँ अकेला छोड़कर, पर दरवाजे तक पहुंचकर लंजा एक आखिरी बार विंग की तरफ देखता है और पलटकर बाहर चला जाता है। लंजा उसे इग्नोर करके चला गया, ये सोचते ही विंग के दिल में एक दर्द सा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यानली विंग के पास आती है जो बिल्कुल खामोश बिना हिले डुले एक ही जगह बहुत उदास बैठा रो रहा था। यानली को महसूस हो जाता है कि उसका आशियन बहुत उदास है। वो पूछती है, आशियन अब तुम कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो? फिर विंग के बालों को सहलाते हुए पूछती है, क्या तुम अभी भी बीमार फील कर रहे हो? पर जब विंग कोई जवाब नहीं देता तो वो परेशान होकर फिक्र में फिर विंग को बुलाती है, आशियन। विंग फौरन होश में आता है और अपनी बहन के चेहरे पर चिंता देख एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ जी शीजे। विंग मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दर्द उसकी आंखों में उसकी शीजे बहुत अच्छी तरह से देख पा रही थी। वो कहती है, मेरे आशियन की हंसी इस पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत है, सबसे प्यारी है।
ये सुनते ही विंग अपनी शिजे के गले लग जाता है ताकि उसकी बहन उसे और दर्द में ना देखे, और वो लगातार सिर्फ अपनी बहन का नाम लिए जा रहा था, शिजे शिजे। विंग को इस हाल में देखकर शिजे बहुत प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में लेती है। विंग के मुस्कुराते चेहरे पर आंसू की बूंदे साफ दिख रही थी कि तभी विंग अपना मुंह शिजे की गोद में छुपाकर क्यूटली एक्ट करने लगता है और शिजे प्यार से कहती है, ओ मेरा एंजल आशियन। फिर विंग की नोज को सहलाते हुए कहती है, मेरा छोटा सा आशियन अब बड़ा हो गया है। और अब यानली थोड़ा रुक जाती है, जिसपे विंग एक सवाल भरी नजर से अपनी शिजे को देखते हुए पूछता है, क्या बात है शिजे? यानली प्यार भरी नजरों से विंग के गालों को छूते हुए कहती है, मेरे प्यारे आशियन, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा और कोई लापरवाही मत करना, वरना तुम इस नन्ही सी जान को हर्ट कर सकते हो। ये सब यानली विंग की टमी पर सॉफ्टली अपना हाथ रखते हुए कहती है। विंग को कुछ सेकंड्स लगते हैं अपनी शिजे की बातों को समझने में, और अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी टमी पकड़ कर कहता है, नन्ही सी जान? हाँ, तुम्हारी नन्ही सी जान, शिजे हंसते हुए कन्फर्म करती है। विंग हैरान था पर बहुत ज्यादा खुश था। अगले ही पल वो दिल खोलकर अपने बनी टीट्स के साथ मुस्कुराने लगता है। अचानक से विंग के चेहरे पर एक अनजानी परेशानी दिखने लगती है, जिसे देख शिजे कहती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद उससे बात करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें उससे ही मिले, वही अच्छा है। ये कहकर यानली विंग को बाहर ले आती है। विंग के पैर लगातार उस तरफ बढ़ रहे थे जहां जेवुजुन ने उसे जाने को कहा था। वो क्लाउड रिसिसिस के कोल्ड पॉन्ड की तरफ जाता है। बाहर बहुत ठंड थी। विंग खुद को अपने ही हाथों में लपेटे आगे बढ़ता है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक इंसान बहते झरने से आते ठंडे पानी के बीच खड़ा दिखता है। वो लंजा था। लंजा ठंडे पानी में एक बेजान इंसान की तरह बुत बना खड़ा था और उसके बैक पर पनिशमेंट से मिले निशान साफ दिख रहे थे, जिनमें से बहता खून उस ठंडे पानी की वजह से जम रहे थे। विंग ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। वो सह नहीं कर पाता और दर्द भरी आवाज में पुकारता है, लंजा। लेकिन लंजा अभी भी बिना हिले डुले बेजान खड़ा था। विंग हिम्मत जुटाकर पानी में उतरता है और ठंड से कांपते हुए ठीक लंजा के पीछे जाकर फिर से उसे बुलाता है, लंजा। जब लंजा इस पर भी नहीं पलटता तब विंग बहुत प्यार से लंजा के शोल्डर्स को पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ता है। विंग लंजा का चेहरा देखकर फ्रीज रह जाता है, क्योंकि लंजा की आंखों में आंसू भरे हुए थे जो कभी भी छलक सकते थे। कि तभी लंजा विंग का नाम लेता है और उसे अपने पास देखकर लंजा की आंखों से दर्द और प्यार से भरे आंसू गिरने लगते हैं। विंग भी लंजा को ऐसे देखकर रोने लगता है और वो लंजा को अपने गले लगा लेता है। लंजा भी उसे कमर से पकड़कर अपने पास करते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग एक मुस्कुराहट के साथ लंजा का हाथ अपनी टमी पर रखते हुए कहता है, यहाँ मेरे पास एक लिटिल लंजा है जो अपने फादर जैसा ही क्यूट और अडोरेबल है। ये सब विंग ड्रंक लंजा को इमेजिन करते हुए कहता है। ये सुनते ही लंजा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग को फिर से आई एम सॉरी कहने ही वाला होता है कि विंग उसको चुप करा देता है अपने लिप्स से, लंजा के लिप्स को लॉक करके। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे में खोए हुए किस करते रहते हैं। फिर विंग किस को ब्रेक करते हुए कहता है, माफ करो मुझे। लंजा विंग के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तो मुझे अपना बनाओ, माफ करो मुझे, विंग प्यार से कहता है। लंजा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन विंग। विंग लंजा के कान के पास आके सिडक्टिव वॉइस में कहता है, प्लीज माफ करो मुझे। विंग अब तक समझ गया था कि इतना सब कुछ जो उसके साथ हुआ है वो लंजा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो दोनों एक फेटेड पेयर हैं। उन दोनों की खुशबू एक दूसरे को पागल कर देती थी। वो एक दूसरे से अब कभी अलग नहीं रह सकते थे, इसलिए विंग चाहता था कि अब लंजा उसका अल्फा
उसे मार्क करके उसे हमेशा के लिए खुद से बॉन्डेड कर दे। लंजा को विंग की इस रिक्वेस्ट पर यकीन नहीं आ पा रहा था। वो विंग से दोबारा पूछता है, विंग क्या तुम श्योर हो? विंग फर्मली हाँ कहता है और लंजा एक स्मर्क के साथ विंग को मार्क करने लगता है। विंग को दर्द होता है लेकिन वो ये सब खुशी से सहता है कि तभी लंजा विंग को कम्प्लीटली मार्क कर देता है और वहाँ से निकलते ब्लड को लिक करते हुए कहता है, अब तुम मेरे हो विंग, आई लव यू सो मच विंग, आई लव यू टू माय हस्बैंड। विंग भी हंसते हुए जवाब देता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए लंजा विंग के फोरहेड पर किस करता है और फिर उसके लिप्स पर। विंग इन सब से बहुत इमोशनल हो जाता है और लंजा को कहता है, अब कभी मुझे मत छोड़ना, मुझसे दूर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये कहते ही लंजा को वो फिर से किस करने लगता है लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अपने इस प्यार के इजहार पर अफसोस होने लगता है जब लंजा उस सॉफ्ट किस को पैशनेट और फोर्सफुल कर देता है। लंजा की बॉडी हीट प्रोड्यूस करने लगी थी जिसकी वजह से अब उस ठंडे पानी में लंजा की बाहों में होने के बावजूद विंग को ठंड नहीं लग रही थी। देखते ही देखते लंजा विंग के साथ पानी में ही इंटीमेट होने लगता है और विंग भी उसे रोक नहीं पाता। जब विंग अचानक से दर्द में चीखता है तो लंजा रुककर विंग को एक फिक्र भरी नज़र से देखता है कि तभी विंग एक स्माइल के साथ लंजा का फोरहेड रिबन खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता है और कहता है, अब तुम भी मेरे हो, सिर्फ मेरे, मेरे लंजा, मेरे हस्बैंड। और ये कहते ही खुद को लंजा के सामने सरेंडर कर देता है। लंजा फिर स्मर्क करके विंग की पूरी बॉडी पर हिकिस छोड़ते हुए इंटीमेट होता है और कहता है, अब हम हमेशा हर दिन ऐसे ही रहेंगे और एवरीडे का मतलब एवरीडे। तो गाइस, आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा तो जल्द ही मिलूंगी अपने स्वीट से लास्ट पार्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।